बेसन चिल्ला बनाने के लिए मैंने 2 कप बेसन ले लिया है और ये कुछ सब्जियाँ। तो ये है फूल गोभी, इसको मैंने चॉपर में काट के ले लिया है। ये हरा मटर थोड़ा सा, 1 प्याज इसको मैंने ऐसे मोटा काट लिया है, ये 2 हरी मिर्च, 1 टमाटर और ये हरा धनिया। इस सबको हम चॉपर में डाल के और बारीक काट लेंगे। तो चलिए सबको एक साथ हम काट लेंगे, क्योंकि सबकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी है इसलिए। देखिए मैंने सबको काट लिया ऐसे चॉपर में डाल के, फिर बेसन में सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी। तो थोड़ा सा हल्दी यानी कि 1/3 चम्मच और ये हींग 1 पिंच, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, 1/3 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच खड़ा जीरा, स्वाद अनुसार नमक। फिर ये कटी हुई सब्जियाँ सबको हम इसमें डाल देंगे। ये फूलगोभी जो मैंने बारीक काट लिया है और ये मटर, इसमें आप बीन्स भी ले सकते हैं, गाजर भी और शिमला मिर्च भी, तो आप अपने हिसाब से सब्जी डाल सकते हैं। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा बैटर तैयार करेंगे ऐसे। देखिए मैंने इसका ऐसा बैटर तैयार किया है, देखिए ना ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे ना ज़्यादा पतला, देखिए। फिर चलिए तवा गरम करते हैं। तवा गरम हो गया, इस पर हम डालेंगे तेल। तो 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे ऐसे, मैं सरसों तेल डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तवे पे तेल डालकर हम तेल को ऐसे फैला लेंगे ताकि चीला चिपके नहीं। 1 बड़ा चम्मच की मदद से हम तवे पे ऐसे बैटर को रखेंगे ऐसे, और इसको धीरे धीरे ऐसे फैला लेंगे। देखिए देखिए तवे पे हमें चीला इतना मतलब ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं, और हम मीडियम स्लो फ्लेम करके इसे 2 मिनट ऐसे पकने देंगे पीछे साइड में। फिर हम स्पून में थोड़ा सा तेल लेकर किनारों में इसके डाल देंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। फिर हम इसको ऐसे पलटे की मदद से पलट देंगे, देखिए देखिए एक तरफ कितने अच्छे से सिक गया है। इसी तरह हमें दूसरे वाले पार्ट को भी 2 मिनट सेक लेना है। फिर से हम स्पून में तेल लेके थोड़ा थोड़ा किनारों में डाल देंगे ताकि नीचे का भी अच्छे से पक जाए। देखिए चीला को एक बार हम चेक कर लेते हैं ऐसे पलट के, देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। उसी तरह हम दूसरे वाले चीले को भी बना लेंगे। तो हम थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डाल देंगे फिर से तवे पे, फिर से हम बैटर को ऐसे सेंटर पे डालेंगे ऐसे, फिर से हम ऐसे फैला लेंगे। देखिए मैंने चीला को डाल दिया है। इसी तरह हम बारी बारी करके सारे चीला को बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए बेसन चीला बनके तैयार हो गया है। इसे बनाना एकदम आसान है, आपको नाश्ते में कभी भी भूख लगे तो आप झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसे सुबह के नाश्ते में या शाम के नाश्ते में या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में भी इसे दे सकते हैं। ये एकदम हेल्दी एंड टेस्टी होता है
और बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। ये बेसन का चीला बच्चों के सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, तो इसे आप अपने बच्चों को ज़रूर दें। और मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।